अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम बासित और आज जो है तीन मकसद हैं वीडियो बनाने के। नंबर वन, टैक्स का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। यूएसए में किस तरह टैक्स पे करना है और क्या उसका प्रोसीजर है, एक तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो लास्ट डेट होती है वो अप्रैल के अंदर कहीं होती है और फरवरी है, अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, लेकिन मैं अर्ली ही सबमिट करा दूँगा। और टैक्स एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि मैं जब आया हूँ लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने दो महीने बाद काम शुरू कर दिया है करना, तो टैक्स रिटर्न भी जाएगी। सारा प्रोसेस बता दूंगा किस तरह सबमिट कराई है मैंने और इजी था या नहीं था, सस्पेंस रहेगा। दूसरा, एनवीसी स्टेज की जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर आपका प्रोसेस चल रहा है इमिग्रेशन का, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, किस तरह करने हैं, और अगर आपको रिजेक्शन आती है किसी डॉक्यूमेंट की तो उस रिजेक्शन को ओवरकम किस तरह करना है। तीसरा काम, क्योंकि वीकेंड, जैसे ना आपको पता है वीकेंड में मेरा एक एक्टिविटी है वो है ग्रॉसरी करनी, तो हम कॉस्टको जाएंगे, कॉस्टको से जाके अपना ग्रॉसरी भी करेंगे और रस्ते में भी कुछ बातें करते हुए जाएंगे, वापसी में भी करते जाएंगे, और वक्त हुआ हमारे पास तो मे बी बाद में हम एक वॉक पर जा सकते हैं घर के आसपास, तो अमेरिका भी आपको दिखाने को मिल जाएगा, दूसरा बात भी हो जाएगी। और कैलिफोर्निया की समझ नहीं आती, लास्ट वीडियो में आपको याद है जो मैंने जो फ़ैन लिया था, तो वो लिया था क्योंकि हीट वेव प्रॉपर आ चुकी थी उस दिन, आई थिंक 27 या 28 सेल्सियस पड़ा था। एज अ पाकिस्तानी तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉर कैलिफोर्निया और ख़ास तौर पर घर में अंदर आपके अगर सीलिंग फैंस ना हो या एयर कंडीशनिंग ना हो तो आपको थोड़ा सा वो तलखी देता है। आज मुझे दूसरी जैकेट पहननी पड़ गई क्योंकि आज हवा भी चल रही है और जो रात को टेम्परेचर था वो 6 सेल्सियस पर गया और इस वक्त भी 8 या 9 है अंदाजन, और इस वक्त अंदाजन क्या टाइम हो रहा है, हाँ 1 बज रहे हैं, तो समझ से बाहर है निज़ाम इधर का मौसम का क्या चल रहा है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कैलिफोर्निया आते हैं तो आपको भी एक अंदाज़ा होगा कि किस तरह के कपड़े लेके आएँ। वैसे तो कपड़े ज़्यादा ना लेके आएँ, इधर से आके खरीद लें, कोई इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं होते और क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेल्ट लगा लें दोबारा, बेल्ट बहुत ज़रूरी है, इस पर ना कोई डिस्काउंट नहीं है बेल्ट ना लगाने पर। इंशाल्लाह आपसे बात होती है फिर, अल्लाह हाफिज़। चलें वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले आपने डिटरमिन ये करना है कि आपका क्या जो केस है वो डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो चुका है। उसके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको जाके या ओपन कर लें, या आप गूगल कर रहे हैं वीज़ा बुलेटिन, जोन से सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट वीज़ा बुलेटिन होगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मार्च 2022 का आपके सामने दो ऑप्शन आएंगी, करंट वीज़ा बुलेटिन की और अपकमिंग वीज़ा बुलेटिन की। करंट का मतलब है इन डेट्स के ऊपर यूएस जो एम्बेसी है वो काम कर रही है, और अपकमिंग इट मींस के जो फ्यूचर में जो अगला मंथ आएगा उसमें किन डेट्स पर काम किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आपकी डेट्स बात की है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका केस किस मंथ में वर्क होगा यूएस एम्बेसी के पास, क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी डेट इन वीज़ा बुलेटिन में करंट होगी फिर ही आपको इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। वीज़ा बुलेटिन ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल थोड़ा नीचे करेंगे तो आपके पास पहले फैमिली कैटेगरीज़ के चार्ट्स आएंगे, फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट बेस के आएंगे। जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए में आ जाएगी तो उसके बाद आपको वेलकम लेटर आना चाहिए, और अगर आप डॉक्यूमेंट क्वालिफाई कर चुके हैं वेलकम लेटर के बाद, और जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में आएगी इट मीन्स अब आपको यूएस एम्बेसी से इंटरव्यू लेटर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रायोरिटी डेट है फरवरी 2007 की, तो आप चार्ट ए में F4 के सामने देखेंगे तो मार्च 2007 है, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी डेट एक महीना आपकी जो है ना क्रॉस कर चुकी है, तो आपको वेलकम लेटर आ जाना चाहिए। अगर आपको वेलकम लेटर नहीं आया तो आपने USCIS को कॉन्टेक्ट करना है कि आपका वेलकम लेटर आपको इशू किया जाए। अब चार्ट बी की एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए में आ गई, आपको वेलकम लेटर आ गया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया NVC को, आप हो गए डॉक्यूमेंट क्वालिफाई। डॉक्यूमेंट क्वालिफाई के बाद जब आपकी प्रायोरिटी डेट जब चार्ट बी में आ जाएगी, उधर भी मेंशन आ रहा होगा कि आपकी फॉर एग्जांपल फरवरी की थी, फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो आपको यूएस एम्बेसी जो है वो आपको इंटरव्यू लेटर इशू करेगी।
हमारे केस में ये हुआ था कि हमारा चार्ट ए की डेट जो थी वो क्रॉस कर ली थी हमारी प्रायोरिटी डेट ने, और हमें अभी तक जो था जो वेलकम लेटर नहीं आया था। तो मैंने उनको USCIS को ईमेल की, तो आफ्टर अ वीक मुझे ईमेल बैक आई, उन्होंने कहा कि क्योंकि 2005 में जब आपका केस सबमिट किया गया था वो मैनुअल था, तो मैनुअल केसेस को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो आप काइंडली हमें 10 से 15 दिन दें तो आपको हम वेलकम लेटर इशू करते हैं, और हमें 15 दिन बाद जो था वेलकम लेटर इशू हो गया। वेलकम लेटर बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देगा कि आपने जो इंटरेस्ट लिया था US इमिग्रेशन में उसको आप ये फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं, और आपका USCIS की जो केस था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब वो NVC नेशनल वीज़ा सेंटर की तरफ जा रहा है। वेलकम लेटर में तीन काम की चीज़ें आपके लिए हैं, एक तो जो उनका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है उसका लिंक होगा, दूसरा आपका केस नंबर, और तीसरा जो पासवर्ड होगा उस पोर्टल का उसको ये इनवॉइस आईडी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको काम आएंगी। जब वेलकम लेटर सेंड किया जाता है तो वो ना ही तो सिर्फ आपको बल्कि आपके पिटिशनर को भी सेंड किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप और आपके पिटिशनर एक ही वक्त में डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकें और केस को फॉरवर्ड लेके जा सकें। एक बड़ी इस पर एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि पिटिशनर को ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, नहीं आपको करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपका US एम्बेसी इस्लामाबाद में या किसी भी एम्बेसी में जब इंटरव्यू होगा तो आपसे जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, आपके पिटिशनर के बारे में पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाए हैं पिटिशनर के, आपने अपने, और आपको अपने केस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने उसको DS-260 जो भरना है चीज़ें भरनी है तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। लिंक को जब आप ओपन करेंगे आपके सामने सात ऑप्शंस आएंगी, लास्ट फोर जो हैं वो इमिग्रेंट वीज़ा के लिए हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आपके लिए वही काम आएंगी। उसमें सेकंड लास्ट जो है वो आपका DS-260 और आपका जो पोर्टल है मेन उसको ओपन करेगा, और लास्ट वाला जो आपने जब भी अपना वीज़ा का स्टेटस चेक करना है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने लेटर से आपने केस नंबर मेंशन करके कंटिन्यू करना है, फिर आपने मेंशन करना है अपनी इनवॉइस आईडी जो आपका पासवर्ड है, फिर आपने बताना है कि आप पिटिशनर हैं, आप एप्लीकेंट हैं या वकील हैं। इसमें चार से पांच ऑप्शन होती हैं। उसके बाद आपने सिक्योरिटी कोड डाल के कंटिन्यू करना। जब आप पोर्टल को एक्सेस कर लेंगे तो टॉप राइट पर आपके पास आपकी केस की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी कैटेगरी कौन सी एम्बेसी में है, आपकी प्रायोरिटी डेट क्या है, और सामने नीचे आप अगर देखेंगे तो आपका पिटिशनर और उनका स्पाउस आ रहा होगा, उसके नीचे आपका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उनका स्पाउस और उनके बच्चे आ रहे होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब आपने 2005 में या 6 में जब भी आपने अपना केस सबमिट कराया तो शायद आपका पिटिशनर जो था वो सिंगल था, तो अब आपके अगर जो पिटिशनर है वो मैरिड स्टेटस में है तो आपने उसके जो स्पाउस है उसको या नाम को ऐड कर लेना, जहाँ पर हाउस होल्ड मेम्बर लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है कि आप किसी को भी ऐड कर सकते, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ ऐड तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यही एग्जांपल है आपकी प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए कि शायद उस वक्त जब आपका केस अप्लाई किया हो तो अब उनकी कोई स्पाउस ना हो और अब है, तो आपने उसकी स्पाउस को ऐड करना है। शायद उस वक्त उनका स्पाउस था लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अब उनके कोई बच्चे हैं तो आपने उनके बच्चों को भी ऐड करना है इस केस में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को इस पोर्टल में पूरा करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा होता है रिमूव एप्लीकेंट या ऐड एप्लीकेंट। जब आपके पोर्टल में सारे फैमिली मेम्बर्स पूरे हो जाएंगे, दूसरा स्टेप है कि आपने उनके स्पेलिंग चेक करने हैं, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपने NVC को मेल करनी है, साथ में जो उनका आपका जो एप्लीकेंट होगा जिसका नाम चेंज हो रहा है उसका पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज की स्कैन पिक्चर भेजनी है, और जब आपके सारे फैमिली मेम्बर्स पूरे हो गए उनके नाम करेक्ट हैं फिर ही आप नेक्स्ट फेज की तरफ जाना जो है फ़ी पे करनी है अपने एप्लीकेंट की से। हमारे केस में दो एप्लीकेंट्स के नाम में करेक्शन की ज़रूरत थी, और जब मैं अप्लाई करता था उससे एक दिन में ही उसके जो करेक्शन हो के आ जाता था और जहाँ पर चेंज नज़र आ रही होती थी। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपने फ़ी पे करनी है हर एप्लीकेंट की। अब आपके दिमाग में आएगा जब आपने I-130 सबमिट कराया, आजकल जैसे $535 की फ़ी है I-130 की, तो अब दोबारा हम फ़ी क्यों पे कर रहे हैं। वो फ़ी जो थी वो I-130 की थी, इमिग्रेशन पिटिशन की फ़ी थी। अब जो आप फ़ी पे कर रहे हैं वो DS-260 की और AOS की कर रहे हैं, एफिडेविट सपोर्ट की। जो DS-260 होता है वो आपका इमिग्रेशन फॉर्म है और AOS जो होता है वो आपके जो पिटिशनर की तरफ से स्पॉन्सरशिप होती है कि वो फाइनेंशियली बर्डन आपको उठाएगा उसका उसकी फ़ी है। DS-260 की $325 फ़ी है और जो एफिडेविट सपोर्ट है उसकी $120 है, $120 फ़ी है। अब आपने फ़ी किस तरह पे करनी है, नेक्स्ट सवाल ये होगा आपका। इसके लिए आपके पास जो सबसे इजी जो आपका वे है वो है कि आप अपने पिटिशनर को पूछें कि वो अपने US बैंकिंग चैनल से पे कर दे, क्योंकि हमारे वक्त में भी जो थे पाकिस्तानी डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते थे। अलाइड बैंक वैसे तो US एम्बेसी की फ़ीस कलेक्ट करता है लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो बेहतर है कि आप जब पे कर रहे हैं तब अपनी ऑप्शन कंसिडर करें, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है वो उसको आप एक्सेप्ट करें।
अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे जो हमारे बॉटम पर जो हमारे डाटा आ रहा है, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो उसी तरीके से चल रहा है। पहले आपने अपने एप्लीकेंट्स पूरे किए, उनके नाम क्रिएट किए, फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो होगा कि किस एप्लीकेंट ने आपके पिटिशनर के साथ कंपनी करना है यूएसए, और किसने जॉइन टू फॉलो करना है। जॉइन टू फॉलो ऑप्शन उन लोगों के लिए या तो वो एज आउट हो गए या वो अभी एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू देने के लिए अपने पिटिशनर के साथ। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन फी का है, उसके बाद आईवी एप्लीकेशन जिसको DS-260 कहते हैं, और थर्ड आपका सिविल डॉक्यूमेंट्स। आपका पोर्टल आपको भी इसी स्टेप्स से गुजारेगा और आप इस तरह आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जब आपने फ़ी पे कर देनी तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा आईवी एप्लीकेशंस का है, वो आपके DS-260s हैं। DS-260 के लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत लेंथी प्रोसेस है। हर एप्लीकेंट जो है उसके लिए सेपरेट DS-260 सबमिट होगा, और आपके पिटिशनर के लिए और उनकी जो स्पाउस होगा उनके लिए एफिडेविट ऑफ सपोर्ट सबमिट होगा। जब DS-260 सबमिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप होगा अपने सिविल डॉक्यूमेंट्स और अपने पिटिशनर के जो हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट सबमिट कराने। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले आपने पहले अपने पिटिशनर को क्लिक करना है तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो उसमें वह साफ सामने आपको मैंशन होगा, उसमें आपका पहला फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ जाएगा, उनकी 3 सालों की टैक्स रिटर्न्स और या ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद जो आपका जो स्पॉन्सर और उसके जो हाउसहोल्ड मेंबर उनकी स्पाउस उनके बीच के दरमियान का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको कहते हैं I-864A कहते हैं। उसके बाद उनकी जॉब के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए कि उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या करंट जो भी उनकी जॉब है उसके लिए। उसके बाद उनकी सिटीजनशिप का प्रूफ चाहिए, उनके जो स्पॉन्सर है और जो हाउसहोल्ड मेंबर है उनकी स्पाउस उनके लिए एक आपको एविडेंस चाहिए जो निकाहनामा है। उसके बाद डोमिसाइल का प्रूफ चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है या तो यूटिलिटी बिल, लीज एग्रीमेंट या मॉर्गेज की जो है ना स्टेटमेंट दे सकते हैं, और आपके पिटिशनर का W-2 फॉर्म। उसके बाद प्रूफ ऑफ एसेट्स मांगते हैं, उसमें भी आप जो है मॉर्गेज जो है स्टेटमेंट डाल सकते हैं या आप बैंक की स्टेटमेंट डाल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो होता है वो है आपके पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट। जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है इसी को ये I-864 और I-864A कहते हैं। फिर आपकी बारी आती है जो उनका हाउस होल्ड मेम्बर है या उनकी स्पाउस है। स्पाउस के लिए आपने पहले I-864A सबमिट कराना है, उनका रिलेशनशिप प्रूफ कराना है, निकाहनामा, उनकी US सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड स्टेटस एक्सेप्ट होता है। पिटिशनर के लिए सिर्फ सिटीजनशिप होती है, लेकिन जो हाउस होल्ड मेंबर होते हैं उसके लिए सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड, उनका US डोमिसाइल, उसके बाद उनकी 3 साल की टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद उनकी करंट एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशन लेटर, फिर उनके बाद W-2 जो है वेज स्टेटमेंट्स और एसेट्स की डिटेल्स। फिर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर डॉक्यूमेंट के सामने अपलोड की जो डेट आ रही है और स्टेटस आ रहा है। डेट जिस दिन आप अपलोड करेंगे इटसेल्फ होगी, और जो स्टेटस है जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ सबमिटेड होगा, और जब NVC इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा, तो आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो चुका है। कॉस्को हम पहुंच गए हैं और चलें जाके ग्रॉसरी करें थोड़ी सी, फिर आपसे आगे बात करते हैं। आपके पिटिशनर के उनके स्पाउस के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, फिर अब आपकी बारी आती है आपके जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं स्पाउस और बच्चों के। इन डॉक्यूमेंट्स को सिविल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट का बायो पेज, पिक्चर्स अपलोड होंगी 2x2 की, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपके प्रिंसिपल एप्लीकेंट होंगे स्पाउस के साथ निकाहनामा अपलोड होगा, पुलिस सर्टिफिकेट अपलोड होगा और पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होगा। जब भी निकाहनामा की बात होगी तो आपने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एक ही PDF फाइल में। आपका ओरिजिनल उर्दू वाला बड़ा वाला जो निकाहनामा होता है वो सबमिट करना है, आपने नादरा से कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और जो आपका ओरिजिनल जो निकाहनामा है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अपलोड करनी है। इसी तरह जब आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जो ओरिजिनल जन्म पत्री जिसको कहते हैं जो उर्दू में लिखा होता है आपने वो अपलोड करना है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अपलोड करनी है, और नादरा का कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अच्छा, जो पुलिस सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक बड़ा वीर सा सीन है। NVC स्टेज में वो मेंशन करते हैं कि वो उसको चाहिए, जब आप US एम्बेसी इस्लामाबाद को देखते हैं तो उसमें वहाँ मेंशन है कि उनको नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। इसके 2 सॉल्यूशन है, या तो आप पुलिस सर्टिफिकेट बना के फिर भी NVC में अपलोड कर दें,
दूसरी ऑप्शन ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप स्क्रीनशॉट लें उसकी यूएस एम्बेसी की उस पेज की जहाँ वो मैंशनड है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखें, तीन लाइन में एक्सप्लेनेशन दें कि जो है ना यूएस एम्बेसी रिक्वायर नहीं करती, क्योंकि एनवीसी को नहीं पता कि यूएस एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट, तो आप इस तरह एनवीसी को बता के आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। फिर बारी आती है प्रिंसिपल एप्लीकेंट के स्पाउस के और उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स। स्पाउस के सारे डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं, सिर्फ ये होता है कि पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, और बच्चों में ये फ़र्क आ जाता है कि एक तो पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं अपलोड करना है, और जो उनके जो है बर्थ सर्टिफिकेट हैं जिसमें आपका उर्दू वाला जो जन्म पत्री है वो, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, नादरा का कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट, और लास्ट में FRC आपने ज़रूर करना है। FRC से मुराद है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है नादरा से मिलता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके लिए जो टिप्स हैं वो हैं कि एक तो जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा होना, अगर ज़्यादा है तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा फिर ही वो एक्सेप्ट होगा। दूसरा, PDF फॉर्म में हो, PDF फाइल हो। तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो इटसेल्फ पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा हो, उसके उसमें कटिंग ना हो, उसमें ब्लरीनेस ना हो, वो क्लियर हो। अब कटिंग से मेरा क्या मुराद है कि जब मैंने अपने पेरेंट्स का निकाह नामा अपलोड किया उर्दू वाला जो, वो A5 पेज पर था जो बड़े वाला होता है, तो मैंने उसके जो Part 1, Part 2 था उनको सेपरेट स्कैन करके, क्योंकि स्कैनर में A4 था, तो मैंने एक PDF फाइल में लगा के उसको अपलोड कर दिया, तो उनकी वो रिजेक्शन आ गई कि हमें पूरा इटसेल्फ कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखना है, हमें इस तरह कटिंग में नहीं चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन था, मिनी मार्केट लाहौर में पाक फोटोकॉपी वाली बेसमेंट में है, वहाँ गया, वहाँ से उनके पास A5 स्कैनर थे, वहाँ से स्कैन कर लिया। मेरा ख्याल है अब तो मेन मार्केट और बरकत मार्केट लाहौर में भी आपको बड़े स्कैनर मिल जाएंगे, तो वक्त बचाने के लिए बजाय रिजेक्शन आए तो आपसे बेहतर है कि पहले ही आप उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें। फिर सिमिलर यही सिचुएशन होगी आपके जो ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो उर्दू में लिखा होता है, अगर आप 90s या 80s में पैदा हुए थे तो वो भी A4 से बड़ा साइज़ होता है, तो अगर आप उसको भी छोटे स्कैनर पर स्कैन करेंगे तो कुछ पार्ट मिसिंग होगा तो वो रिजेक्ट होगा। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 9 अप्रैल को सबमिट करा दिए और 17th को पहला उनकी ऑब्जेक्शन आया कि जो निकाह नामा है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है तो उसको काइंडली री अपलोड करें। उसको मैंने 22 को दोबारा सबमिट कराया और 22 को ही दोबारा उनकी एक और आस्क आती है कि जो आपने अपनी जो पिटिशनर का जो स्पाउस है उसको आपने एज आ स्पॉन्सर ऐड किया हुआ, काइंडली उसको हाउस होल्ड मेम्बर में कर दें। उसको भी मैंने चेंज कर दिया 22 को ही। फिर 24th को दोबारा एक आस्क आती है दोबारा एक और डॉक्यूमेंट के लिए कि वो थोड़ा सा ब्लरीनेस फील हो रहा है तो काइंडली उसको आप री अपलोड करें, और 25th को मैंने उसको तो री अपलोड किया, और 27th को ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए, और मेरे जब डॉक्यूमेंट 27 को एक्सेप्ट हुए और 7 मई 2019 को डॉक्यूमेंट क्वालिफाई की ईमेल आ गई। तो बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होने के 10 दिन बाद डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो रहा है, और पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन फेज थी इसको लगे 28 से 29 डेज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि ये डॉक्यूमेंटेशन फेज है और DQ होने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि कई बार मैंने इस तरह भी स्टोरी सुनी हुई लोगों की और देखी हुई है कि अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक आती है तो वो आपके एक एक महीना 20-25 दिन तक आपको दोबारा उसका रिप्लाई नहीं आता कि क्या ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इन वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपकी जो है ना प्रोसेस स्मूथ जाए और आपको कोई हर्डल ना आए इस प्रोसेस में। अब आपसे भी अगर इस तरह हो गया हो कि आपने अपने जो स्पॉन्सर की जो स्पाउस है उसको हाउस होल्ड मेम्बर की जगह स्पॉन्सर में ऐड कर दिया हो, तो उसका थोड़ा ट्रिकी ये होता था कि पहले तो 2 घंटे में होल्ड पर रह के उनसे बात की NVC से कि इसको उसको हल किस तरह करना है, क्योंकि किसी भी फॉरम पर जाके मैं सर्च करता था तो मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिलता था। सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, आपने वही वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसमें मेंशन करना है कि आपसे जो है जो आपने जो स्पॉन्सर का जो स्पाउस है वो एज अ स्पॉन्सर ऐड हो गया रादर देन हाउस होल्ड मेम्बर, तो उसको कन्वर्ट करना है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट ऐड कर लें। तो ये 2 से 3 लाइनें मेंशन करें, उस वर्ड डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करेंगे तो कोई भी जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं NVC स्टेज पर इस पोर्टल में तो वो रिव्यू होता है, तो मैंने आई थिंक 23 को अपलोड किया था, 24 को दोबारा उसकी अप्रूवल आ गई और वो जो कैटेगरी थी उन्हें उनकी स्पाउस की थी वो चेंज कर दी स्पॉन्सर से हाउस होल्ड मेम्बर की। वीडियो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन अब आते हैं हम टैक्स के ऊपर।
यूएसए में जिस तरह टैक्स सीजन जो है वो होता है जनवरी टू दिसंबर का, और जिस तरह पाकिस्तान में हमारे होता है जुलाई टू जून का। तो जब आपका दिसंबर एंड होगा तो आपको आपके ऑफिस वाले जो आपके जहाँ भी काम करते हैं एम्प्लॉयर जो होगा वो डब्ल्यू टू फॉर्म देगा। डब्ल्यू टू फॉर्म जिस तरह मेंशन किया था पहले भी मैंने कि उसमें आपकी सैलरी, आपकी डिडक्शंस, आपके टैक्स सब कुछ मेंशन होता है, और वही डब्ल्यू टू फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके एम्प्लॉयर से फॉर द आईआरएस, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है, जिस तरह हमारी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है। अच्छा, आपके अब डब्ल्यू टू सारे करेक्ट हो गए, उसके बाद आपने अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट है या आपने कोई इंटरेस्ट लिया बैंक से तो 1099 फॉर्म आएगा। और आपने हमेशा याद रखना है कहीं भी आपने जॉब की है तो उसके अगेंस्ट आपको डब्ल्यू टू फॉर्म मिलना है। अगर आपने डब्ल्यू टू फॉर्म आपके पास नहीं है उस जॉब से, इट मीन्स आप अपनी टैक्स फाइल नहीं कर सकते। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई जिसमें डब्ल्यू टू फॉर्म्स आ गए, आपके इंटरेस्ट वाले 1099 आ गए, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी की है, कुछ भी किया है, हर जो ट्रांजेक्शन में जो आपका गेन हो रहा है किसी भी काम पर, तो आपको उसके अगेंस्ट एक टैक्स का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, अब आपने सबमिट किसने करना है। अगर तो आपकी लो इनकम कैटेगरी में आती है, आपकी जो इनकम थी साल की, तो आईआरएस का फ्री पोर्टल है जहाँ से आप कर सकते हो। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, आपने टैक्स सबमिट कराना है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सीए वाले ऑफिस से भी करवा सकते हैं, किसी प्राइवेट जो टैक्स फाइलर्स होते हैं उनसे भी करवा सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर यूएस में काफ़ी कॉमन भी है, वो एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है टर्बो टैक्स। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है जो आपके जो टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस को बहुत सिंपलीफाई करते हैं, वो आपके बिहाफ पर फाइल भी करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा परचेजेज होते हैं कि अगर आपका ऑडिट आ जाए तो ऑडिट को भी वो केटर करेंगे, लाइव अगर आपको हेल्प चाहिए उसमें कई ऑप्शन हैं, सबसे सस्ते से लेकर एक्सपेंसिव वाला जो है, जो सबसे एक्सपेंसिव वाला वो 120 का है, लेकिन जो स्टार्टिंग प्राइस है वो समवेयर अराउंड 39 से स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि मैं पहली बार यूएसए में टैक्स सबमिट करा रहा था तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, जबकि पाकिस्तान में मैं अपना टैक्स और कई लोगों का टैक्स मैं सबमिट कर देता था। पाकिस्तानी टैक्स का जो सिस्टम था वो काफ़ी ये फेमिलियर था और काफ़ी उस पर मेरी कमांड थी। और दूसरी रीज़न ये थी कि जो टर्बो टैक्स था वो मुझे मेरी कंपनी की तरफ से ऑप्शन था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा ये अच्छा एक तरीका है कि मैं टर्बो टैक्स को इस्तेमाल भी कर लूँ, आप लोगों के लिए एक रिव्यू भी बना दूँ। तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं इनके टर्बो टैक्स की वेबसाइट पर, तो उसमें अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि आपकी किस तरह की इनकम है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हर चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे उसके ग्राफिक्स हैं, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो अगर आप फुल बेसिक नॉलेज के हैं यूएस की टैक्स सिस्टम से, तो ये काफ़ी एक अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। मुझे हार्डली 35 to 40 मिनट्स लगे थे अपना टैक्स सबमिट कराने में, मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं की। आपके डब्ल्यू टू के ऊपर से आपको एम्प्लॉयर आईडी वो पूछता है, सोशल सिक्योरिटी पूछता है, तो वहाँ से वो पीछे से डाटा पे से सारा डाटा पे कर करके अपने फॉर्म्स फिल करते रहता है, साथ साथ आपको मेंशन कर रहा था कि आपने कितना टैक्स और पे करना है या आपकी तरफ रिफ़ंड बनता है। तो जब सब आप सबमिट करा देते हैं तो वो आपकी रिफ़ंड एप्लीकेशन भी यही डील करते हैं। अगर आपका ऑडिट आ जाए तो आपने अगर ऑडिट प्रूफ वाला जो उनका पैकेज लिया वो लो, तो वो ऑडिट का जवाब भी वही देंगे। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ चाहते हैं, तो टर्बो टैक्स भी अच्छा ऑप्शन है, या आप कोई प्राइवेट जो टैक्स कंसल्टेंट्स यूएसए में भी होते हैं उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अपना कोई कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपका दोस्त यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है उसका चैनल शेयर करें, और उनका या कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पूछें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है और उस पर ज़्यादा मैं एक्टिव होता हूँ, तो अगर आप उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।